तालियों से अभिनंदन करें डॉक्टर रितिका शास्त्री संपादक दैनिक जागरण। विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री शरद श्रीवास्तव जी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाज की भिन्न धारा से निरंतर सेवा का कार्य कर रहे मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आए और सुरेश जी मैम सुरेश जी जैन भाई साहब चिकारा जी हमारे राजवीर चिकारा जी विनय जबाल जी राजेंद्र यादव जी और अपने संकल्प से शिक्षकों के प्रति उनके एकत्रीकरण का और एक बड़े संकल्प का मैं आप सबको मैं नमन करता हूं। मित्रों आज और गंभीर इसलिए है कि एक सपना था एक सोच थी एक संगठन का एक संप्रभुता थी कि हम सब मिलकर प्रतिष्ठित लोग आप सब यहाँ मनन करने आए हैं समझने आए हैं और साथ में एक संकल्प लेने आए हैं कि इतना बड़ा समर्थन जो शिक्षक समाज ने दिया था जो परिवर्तन की नींव रखता है जो परिवर्तन की सोच रखता है जो परिवर्तन की समझ रखता है और जो राष्ट्र का निर्माण कर सकता है उसने जब इतना बड़ा समर्थन दिया तो ऐसा क्या हो गया ऐसा क्यों हो गया इतना बड़ा समर्थन का समक्ष पूरे अपने दिल्ली प्रदेश को दिया गया उसमें इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल गया कि जिसने समर्थन दिया आज उसी को द्वार के बाहर खड़ा करना पड़ा उसी को द्वार के बाहर रहना पड़ा आज घर में घुस करके अपने हृदय की बातें बयां करने के लिए भी आज मजबूर होना पड़ रहा है दुखद लेकिन समझ का विषय कि आज शिक्षक समाज को इस बारे में फिर से पुनर्विचार करना पड़ रहा है कि हमने पूरे समाज को क्या दिशा दी और हमने पूरे समाज में इस प्रदेश सरकार को जो समर्थन दिया क्यों दिया क्या गलती हो गई हमसे। लेकिन मुझे लगता है कि ये परिवर्तन जब भी कभी आता है तो एक ही समाज ले सकता है वो है शिक्षक समाज सीखता है और जब माँ से सीखता है जब अपने बड़ा होता है तो सबसे बड़ा तो उसके प्रभाव को आकार देता शिक्षक समाज ही होता है जो समाज को परिवर्तित करता है। हमने राजीव मालवीय जी को भी देखा है उन शिक्षकों को देखा है और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं शिक्षक का पुत्र रखते हैं और ये भावनाएं अपने अंदर समझते हैं कि जब शिक्षक के मन दुखता है तो बड़ी से बड़ी उनके पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं उसमें थी तो ये 14,000 करोड़ का बजट क्या हो गया। बातों पर बहुत पत्रकारों ने विश्वास नहीं किया मेरा सारे डिबेट में कहा कि ये माओवादी है ये दिल्ली में अराजकता फैलाएगा राजनीति में आ रहा है दिल्ली को कुछ नहीं दिल्ली को ध्वस्त करेगा दिल्ली की सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करेगा। और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर देश की सबसे बड़ी कोई व्यवस्था होती है तो वो वहां की शिक्षा व्यवस्था होती है। किसी समझ लीजिए देश समझ में आ गया क्योंकि मैं हूं या आप मेरा और आपका इस पूरे देश के 132 करोड़ लोगों की बुद्धि कैसे निर्मित हुई। प्राथमिक विद्यालय में जिन शिक्षकों ने उंगली पकड़कर हमें अक्षर ज्ञान कराया था उनको आप भूल पाए हैं क्या। मुझे उन शिक्षकों के चेहरे नाम व्यवहार एक एक माता ने जो शिक्षक की भूमिका निभाई उसका परिणाम पिता ने जो शिक्षक की भूमिका निभाई उसका परिणाम और जो शिक्षा के क्षेत्र में ही रत है उसकी भावना का परिणाम इस देश को लगातार मिलता रहा है आगे भी मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को पूर्ण करता हूँ आपसे बहुत बहुत अपेक्षाओं के साथ विदा लेता हूँ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।